बस 15 तक दिमाग शांत रखिए, 15 के पहले सारी बातें सामने आ। अब कहा कि सारी बातें हो जाएगी, इसका मतलब है वो भी पहले ही संतोष जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बोल चुके हैं कि ये हंसुआ के ब्याह में खुरपा का गीत मत गाइए, इसको बाद में पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। और ऐसे बस 15 तक दिमाग शांत रखिए, 15 के पहले सारी बातें सामने आ। मंत्रिमंडल विस्तार भी हो रहा है 15 तक। अब कहा कि सारी बातें हो जाएगी, इसका मतलब है वो भी संभव है। एक मंत्री पद और मिलेगा आपके पार्टी को? ये मांग कहाँ हमारी है? हम लोग कोई कहीं शर्त नहीं रखते हैं, जो मिलेगा उसी को अच्छा से काम करेंगे। हम मुख्यमंत्री पद मांगे थे क्या? लेकिन मिला था तो आप लोगों के जजमेंट पर छोड़ते हैं, क्या मुख्यमंत्री का कोई गलत काम किया था क्या? आज समुचे देखिए, हमारा नेतृत्व चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो या अमित शाह जी का हो, सक्षम है वो सारे विवाद को एकदम शांत कर देंगे। और आप देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल, और हर तरह से हम लोग मुस्तैद होकर के लड़ेंगे और बिहार में 40 के 40 सीट एनडीए के झोला में डालेंगे। अब वो बात अलग की बात है, वो उस पर बात नहीं हम करेंगे। तो यहाँ पर कल एक नया कानून जो पहले से मोदी सरकार ने जारी कर दिया है, इसको किस तरह देखते हैं? इसका हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ये कि स्पष्ट किया गया है, आप लोग देखे होंगे कि ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए है। चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, तो मुसलमान जात के छोड़ करके, मुस्लिम अल्पसंख्यक को छोड़ करके, जिसको हम अल्पसंख्यक करते हैं, उन देशों में अल्पसंख्यक नहीं है, उनको जो वहाँ अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू हो, पारसी हो, सिख हो और लोग हैं, जो वहाँ दमन के शिकार होते हैं और हिंदुस्तान में चले आते हैं, तो 2014 के पहले जो लोग यहाँ पर आए हैं उनको भारत की नागरिकता देना जस्टिफाइड है। वो कहाँ रहेंगे, विकास के कामों में नहीं लग रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि हम कौन देश के नागरिक हैं, तो उतना बड़ा समूह को हम लोग उसको देंगे। राजद के लोग कह रहे हैं कि सरकार बदलने की काम कर रहे हैं आप लोग केवल। देखिए, जो विरोधी लोग हैं वो तो यही कहवे करेंगे, उनको तो और कोई मुद्दा है नहीं, वो करप्शन की बात नहीं कहेंगे कि उनके राज में क्या हुआ था। वो इस बात को भूल गए कि नीतीश कुमार उनके मंत्री में पद पर रहते हुए उनके मीटिंग में कहा करते थे कि आप लोग समेत मीटिंग के लोगों को कहते थे कि आप लोग समझ जाइए, मैं 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने दूंगा। और आज धन्यवाद देते हैं कि जब स्थिति आ रही थी तो नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थाम करके वो स्थिति को दरकिनार कर दिया। इसलिए नया दल भी आ सकता है क्या इस गठबंधन में? अब सब बात हमारे एनडीए के शीर्ष नेताओं पर निर्भर करता है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी शीर्ष नेता करेंगे उसको हम सब मानेंगे। चिराग पासवान को 7 से 8 सीट का ऑफर दिया जा रहा महागठबंधन की ओर से, मुकेश सहनी को 3 सीट का, क्या रुक पाए? ये आपकी बात है, हम लोग इसको नहीं जानते। चलिए ठीक है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।